मुझे एक कमेंट आया था उगांडा से। उगांडा से जो भी भाई देख रहा है ना, दिल से धन्यवाद यार आपका, कि मैं यार फॉरेन कंट्री में यार आपके भाई के जलवे हैं यार। यार मैंने सोचा नहीं था, मुझे गूगल कर मतलब पहले मुझे गूगल करना पड़ा उसके बारे में, मुझे तो बिलीव होने ही नहीं लगा कि ये फॉरेन कंट्री का मतलब कमेंट है। उसके बाद मैंने उसको फेसबुक पर पोस्ट किया तो किसी ने भाई ने भी बोला कि नहीं ये फॉरेनर ही है। तो मैंने गूगल करके, मुझे ये भी पता नहीं था कि उगांडा तो हो गया हूँ मैं, अब मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग भी बोल रहे थे, घर वाले भी बोल रहे थे बाकी कमज़ोर बहुत हो गए। सुबह खाना खाते हैं और शाम को खाना खाते, मतलब शाम को कितना सा ही खाएगा बंदा, तब तक जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर कितना बंदा खाएगा। गुड मॉर्निंग CRPF, तो कैसे हैं आप लोग? तो CRPF आज अपनी मॉर्निंग जो हो रही है वो हो रही है सुबह 6:30 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, हम रात को थोड़ा सा लेट सोया था तो उसी करके थोड़ा सा लेट जाग गया मैं। बाकी आप सब बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखो। तो और किसी जाफ़र भाई ने शायद कमेंट किया था, मुझे पता नहीं, जाफ़र भाई आपने लिखा था CRPF का फुल फॉर्म क्या है? जो CRPF का फुल फॉर्म है वो तो सबको पता होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। बट जो मेरी CRPF है ना, उसका फुल फॉर्म जो है, उसका फुल फॉर्म है कंट्रोल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्योंकि आप सब मेरा कंट्रोल करते हो, ठीक है ना। ये सीढ़ी का गेम है, सीढ़ी चढ़ेंगे तो आसमान तक, सीढ़ी उतरेंगे तो ज़मीन तक, बस ये उस चीज़ का खेल है। तो बाकी अभी सुबह का टाइम भी आप सबके सामने है, ये देख लीजिएगा, सुबह का टाइम अभी 6:32 हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा दूध लाने जा रहा हूँ, दूध लेके आते हैं, चाय वगैरह बना के उसको पीते हैं और फिर निकलते हैं काम में। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी शाम को डेली अब वीडियो अब आया करेगा, इतना ज़रूर कह देना कमेंट करके कि किस टाइम वीडियो डालें हम, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, मतलब हम उसी टाइम में वीडियो डाला करूँगा जिस टाइम आप सब ऑनलाइन रहते होंगे। तो बाकी मैं थोड़ा सा कमज़ोर भी हो चुका हूँ ऐसा मुझे घर वाले कहते हैं, तो आप लोग भी बता देना कि हुआ है ऐसा या नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा है, बट आप फिर भी कमेंट कर देना। तो लेट्स सी, सब्सक्राइब करके जाना, आज हमारे चैनल पर जो हैं 661 सब्सक्राइबर हो चुके हैं पूरे, और 1K जल्दी बहुत जल्दी हो जाएंगे, और इतना खुश हो चुका हूँ मैं, हाय हाय हाय। और पेज को भी फॉलो कर दो यार, पेज को फॉलो नहीं कर रहे आप लोग, और जितने फॉलोवर थे ना, मतलब 5,000 कुछ थे, उतने ही हैं, थोड़ा सा बढ़ाओ यार, 5,000 से क्या बनता है। फाइनली गाइज अपना दूध यहाँ से पिक कर लिया, तो अभी निकलते हैं, चाय बनाते हैं फुल पावर, और पीने के बाद निकलते हैं सीधा काम में। अभी थोड़ा सा गाड़ी का वेट भी करने को है, बस गाड़ी आ जाती है और उसके बाद हम लोग सीधा काम में, और तब तक हम लोग चाय वगैरह रेडी करते हैं जब तक गाड़ी आती है। तो गाड़ी आ जाएगी तो उसके बाद तो सीधा निकलना ही है, तो चलो गाड़ी आती है और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये रोटी बन चुकी है यहाँ पे, अभी चाय पीते हैं फिलहाल और देखते हैं उसके बाद। ये डाल रखी है मेरे लिए चाय आपने बॉल में, क्योंकि बॉल में ही चाय पीते हैं हम लोग, ये देख लो। तो फिलहाल चाय इंजॉय करते हैं और मिलते हैं उसके बाद। तो फाइनली गाइस निकल पड़े हैं अपने काम की ओर, तो अभी गाड़ी वगैरह का इंतज़ार करते हैं। बाकी ये देख रहे हो रस्सा मेरे हाथ में, अभी यहाँ से पाइप डालेंगे उसमें तो बांधनी तो पड़ेगी, फिर उसके लिए रस्सा वगैरह लेके आया हूँ मैं रूम से ही, तो बस 5 मिनट और लग जाएंगे। गाड़ी वाले को अभी कॉल किया मैंने, कह रहा है 5 मिनट के बाद आ जाता हूँ, तो देखते हैं कितने टाइम में आता है। तो बाकी हमने यहाँ से पाइप उठानी है, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, पूरा पाइप से भरा पड़ा था, बट आज तो कम है यहाँ पर पाइप, पहले बहुत ज़्यादा पाइप थी यहाँ पर। ओहो यहाँ पर देख लो, मिक्सर मशीन लिफ्ट विद, और ये देख लो ये भी, मतलब पूरा ये अपना पाइप से भरा पड़ा था अपने सामान से। तो फिलहाल निकलते हैं फुल पावर, और आपका भाई तो मज़े में है, हैं? तो बाकी आप सब कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हो ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये वर्ड मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यार एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को
मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है। तो मतलब वो ये वर्ड तो दोबारा रिपीट करना है, बार बार शुरू करेगा। क्यों बार बार शुरू कर रहा हूँ मैं ये चीज़, क्या ही बताऊँ यार। बाकी ये देख रहे हो हाथ पे कितना बड़ा दाना निकला हुआ है मेरे, मतलब समझ नहीं आ रहा ये कैसे निकला है, क्या करें यार। तो फिलहाल काम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो चलो, तो फाइनली गाइस गाड़ी लोड हो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं। ये देख रहे हो किस एंगल से लोड किया है और पूरी भरी पड़ी है गाड़ी। तो चलो देखते हैं, मस्त वाली ऑफ रोडिंग है आज, क्या सीन रहता है। बाकी ये हमारे उस्ताद जी हैं, तो ये रोड है अभी जाने के लिए, यहाँ से निकल पड़े हैं हम लोग। और जब आगे जाएंगे ना, पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग है, तो फिर वहीं पर पता चलेगा कि क्या सीन है और क्या नहीं है। बाकी ये देखो आपको मैं भी दिख रहा हूँ कहीं या नहीं दिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, प्यार बरसाओ यार। गाड़ी फंस चुकी है यार, पूरी की पूरी आगे से खड़ी हो रही है ऊपर के लिए, और समझ नहीं आ रहा है अब यहाँ से निकलनी चाहिए यार, फंस गए हैं, ना पीछे जाने के ना आगे आने के रहे। ये देख रहे हो हालत पूरी तरह से क्रैश। अरे वहाँ पे देखो कितना रिस्क ले रहा है बंदा, टायर देखो, टायर पूरे टेढ़े हो गए हैं। अब जाके रास्ता बनाया इन्होंने, अब पीछे से आएगा ये। तो गाइस आपने अभी तक वीडियो पूरी की पूरी देखी होगी कि क्या हो रहा था। मैं सोच रहा था कि लेबर वर्क करना सबसे ज़्यादा टफ काम है और घटिया काम है, बट नहीं, मैं गलत था यहाँ पे। आज मैंने रियल में ट्रैक्टर चलाना देखा भाई। ट्रैक्टर मैं भी चला लेता हूँ लेकिन वो नहीं, गाड़ी मैं भी चला लेता हूँ पर इस कदर की ड्राइविंग हो घर, अपनी जान जोखे में डाल के बंदे ने गाड़ी चढ़ाई है वहाँ से। ना पीछे जाने के थे ना आगे आने के थे, पीछे भी खड्डा था आगे भी खड्डा था, ये वही हुआ ना, मतलब पीछे कुआं आगे खाई, वो हिसाब हुआ था इसका अभी। उफ, तो चलो अभी फाइनली चढ़ गया है, थोड़ा सा हम भी इसको मोटिवेशन देते हैं। तो चलो, तो फाइनली गाइस काम ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे। आए हाय, ये देख रहे हो ये कंडीशन हो चुकी है, और आज बहुत बुरी कंडीशन हुई। और जो मैंने ट्रैक्टर देखा ना, वो कैसे चढ़ा रहा था उसको यार, मतलब क्या ही बताऊं यार, वो पूरा चिपक रहा था आप इसमें मतलब। तो बाकी अभी बज रहे हैं लगभग, टाइम देख के ही बताता हूँ, लगभग 5:30। तो फिलहाल निकलते हैं फुल पावर, अब थक भी गए हैं, भूख इतनी ख़तरनाक लगती है ना डेली, मतलब कमज़ोर तो हो गया हूँ मैं, अब मुझे भी लग रहा है
क्योंकि बाकी लोग भी बोल रहे थे, घर वाले भी बोल रहे थे बाकी कमज़ोर बहुत हो गए। सुबह खाना खाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, मतलब शाम को कितना सही खाएगा बंदा, तब तक जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर कितना बंदा खाएगा। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम एंड, और आई होप आपको आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आज हमारे चैनल पर जो है 661 सब्सक्राइबर हो चुके हैं पूरे, और 1K जल्दी बहुत जल्दी हो जाएंगे, और इतना खुश हो चुका हूँ मैं, आय हाय हाय। और पेज को भी फॉलो कर दो यार, पेज को फॉलो नहीं कर रहे आप लोग, और जितने फॉलोवर थे ना, मतलब 5,000 कुछ थे, उतने ही हैं, थोड़ा सा बढ़ाओ यार, 5,000 से क्या बनता है, थोड़ा सा बढ़ाओ फिर पैसा ही पैसा होगा। हाँ मीम लगाएं यहाँ पे, नहीं लगाएंगे ना। तो बाकी निकलता हूँ मैं, और आप लोग ये काम दो कर देना, और मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त मस्त खुश खाते पीते रहो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू आल, अल्लाह हाफिज़। हाँ एक ज़रूरी बात, अल्लाह हाफिज़ बोलने से पहले मुझे एक कमेंट आया था उगांडा से, उगांडा से जो भी भाई देख रहा है ना, दिल से धन्यवाद यार आपका, कि मैं यार फॉरेन कंट्री में यार आपके भाई के जलवे हैं यार, यार मैंने सोचा नहीं था, मुझे गूगल कर, मतलब पहले मुझे गूगल करना पड़ा उसके बारे में, मुझे तो बिलीव होने ही नहीं लगा कि ये फॉरेन कंट्री का मतलब कमेंट है। उसके बाद मैंने उसको फेसबुक पर पोस्ट किया, तो किसी ने भाई ने भी बोला कि नहीं ये फॉरेनर ही है, तो मैंने गूगल करके, मुझे ये भी पता नहीं था कि उगांडा कहाँ पर बोलते हैं यार, कसम से यार मतलब दिल धक धक कर रहा है यार गाइज, कि फॉरेन कंट्री से मेरे लिए कमेंट, ओहो ओहो। तो चलो लव यू हाय बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।